मध्य प्रदेश शासन के आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे 19 जनवरी को बालाघाट पहुंचे। मंत्री कावरे ने 19 जनवरी को सुबह 11 बजे ग्राम माने गांव से रावणबंदी ज्वाला देवी पहुंचे और ज्वाला देवी मंदिर मार्ग के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। आपको बता दें कि हीरापुर माने गांव से रावणबंदी ज्वाला देवी मंदिर पहुँचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। मंत्री कावरे के द्वारा लोगों की दिक्कतें देखते हुए शासन से मांग की गई थी और आज मार्ग का भूमि पूजन किया गया। मंत्री कावरे दोपहर 12 बजे ग्राम केरा में पीपर टोला, औदा, गढ़िया टोला, गोंडी टोला के गरीब लोगों को कंबल वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए थे। सुरवाई से पुर्थी टोला एक टोला है, वहाँ का भी रोड बनाएंगे और सुरवाई में भी हम सामुदायिक भवन देने वाले हैं और आपके माने गांव में भी सामुदायिक भवन देने वाले हैं। और क्या चाहिए, जितना हो सकता था वो सारा का सारा करेंगे। प्राथमिक शाला से लेके माध्यमिक शाला से लेके हाई स्कूल से लेके सब जितना क्षेत्र में है, शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में हम काम करेंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम काम करेंगे। अभी मैं जाने वाला हूँ भूमि पूजन करने, कहाँ पर, अभी आपके हट्टा जाने वाला हूँ, वहां पर ग्राउंड बनवा रहा हूँ बच्चों को खेलने के लिए, वो भी 25 लाख रुपए का। वही हट्टा में पिछले बार मैंने सामुदायिक भवन दिया था गुवारी समाज के लिए, उसका भी लोकार्पण करने जा रहा हूँ। अभी आने वाले समय में भानपुर से लेकर खुटिया का भी भूमि पूजन करूंगा, वो भी 1,40,00,000 रुपए की उसकी भी स्वीकृति मैंने दिला दिया है। मैं आपके हट्टा से लेकर हरदोली टोला तक के वो भी 50 लाख रुपए स्वीकृत करा दिया हूँ। हट्टा से हरदोली मार्ग पर जो पुलिया है वो भी 37 लाख रुपए का स्वीकृत करा दिया हूँ। अभी पड़सवाड़ा का बताऊंगा तो आप लोग बोलोगे कि और कितना है वहाँ पे। अभी 2,40,00,000 का सुरवाई से लेकर हमारा सरे का कुआं देई है, वहां पर मैंने भूमि पूजन करके आया। बगोली से पड़सवाड़ा तक के का मैंने 2 करोड़ रुपए का भूमि पूजन। मैं लगभग अपने क्षेत्र में 50 करोड़ रुपए के काम इसी साल सैंक्शन कराया हूँ और आने वाले समय में हम सब लोग बहुत सारी चीजें हैं। ग्रामीण भारत टीवी के लिए बालाघाट से निकेश चंदेली की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।